नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। भाजपा के रांची, हटिया, कांके, कोडरमा, भागमारा और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों का नाम अटक गया है। इस कारण सूची जारी करने में भी देरी हो रही है। पार्टी के सीनियर नेताओं के तलख रवैये ने केंद्रीय नेतृत्व को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। केंद्रीय नेतृत्व इन सीटों पर फिर से मंथन कर रही है। ऐसे में तय समय पर नाम घोषित नहीं होने पर उम्मीदवारों के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बतौर उम्मीदवार कुछ लोगों के नाम सामने आने के कारण विरोध भी शुरू हो गया है। हुसैनाबाद, दुमका, जामा, मधुपुर, धनबाद आदि सीटों के कार्यकर्ता अलग अलग खेमों में बंट गए हैं। ऐसे में शुक्रवार को भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हुई, जबकि सीट शेयरिंग कम्प्लीट हो चुकी है। भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा की सीटों की घोषणा भी कर दी गई है। इस बारे में पूछे जाने पर भाजपा के प्रदेश सह चुनाव प्रभारी हिमता बिस्वास शर्मा ने स्वीकार किया कि चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के अंदर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो सका। हिमता ने कहा कि अब शनिवार या रविवार को प्रत्याशियों की घोषणा होगी। पार्टी पहले सिटिंग विधायकों का टिकट काटने के पक्ष में नहीं थी, पर बदलती परिस्थिति में कुछ के टिकट कट सकते हैं। इसी डर से जमुआ विधायक केदार हाजरा झामुमो में चले गए। छतरपुर विधायक का भी टिकट कट सकता है। पार्टी यह देख रही है कि ऐसी कितनी सीटें हैं जहां पर एंटी इनकम्बेंसी है। यह भी खबर आ रही है कि भाजपा केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं को भी चुनाव लड़ा सकती है। नीरा यादव पिछली बार कोडरमा से बहुत कम वोटों से जीती थी। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि अन्नपूर्णा देवी को चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे ही पोटका सीट पर भी पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के लड़ने की संभावना है। झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को है। शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रत्याशियों के नाम पर टकटकी है। वैसे एनडीए इस मामले में इंडिया गठबंधन से आगे है कि उसने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। एनडीए में शामिल भाजपा, आजसू पार्टी, जदयू और लोजपा किन किन सीटों पर लड़ेंगे, इसकी घोषणा भी कर दी गई है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के।